पीएम गतिशक्ति स्कीम के तहत देश में रोड, पोर्ट, रेलवे और इनलैंड वाटरवेज को जोड़ने का प्लान जमीन पर उतार सकता है। इस सिलसिले में सचिवों के एम्पावर्ड ग्रुप से एक महीने के भीतर एक्शन प्लान तैयार करने को कहा गया है। क्या है देश को गति देने का ये प्लान, ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे साथ ही प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, पीएम गति शक्ति स्कीम को तेजी से लागू करने के लिए सरकार हरकत में दिख रही है और सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक हुई है और उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। उन प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है जो कि काफी क्रिटिकल हैं और पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के तहत इनको पूरा किया जाना है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पोर्ट्स की पहचान की गई है, साथ ही साथ उन क्रिटिकल जो रेलवे से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी पहचान की गई है। सूत्रों की माने तो 28 नॉन मेजर पोर्ट्स की पहचान की गई है जिनको कि रेलवे लाइन के साथ जोड़ा जाएगा, 30 ऐसे पोर्ट की पहचान की गई है जिनको कि हाईवेज के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 80 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे लाइन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उनकी पहचान की गई है और इन्हें पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के तहत जो है इनको तैयार किया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि एम्पावर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने इस बात के निर्देश दिए हैं कि 15 अगस्त 2022 तक इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान जो है वो तैयार कर लेना है। पोर्ट्स और शिपिंग मंत्रालय, साथ ही साथ रेलवे मंत्रालय, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो है संयुक्त रूप से ये एक्शन प्लान तैयार करेंगे और साथ ही साथ इस बात पर भी सहमति बनी है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसको मदद दी जाएगी ताकि जो कनेक्टिविटी से जुड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तेजी लाई जाए। ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने ये निर्देश दिया है कि सीमेंट इंडस्ट्री को जिप्सम की जो सप्लाई है उसको बढ़ाने में तेजी लाई जाए और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ नालगोंडा से मछलीपट्टनम तक की जो दूरी है उसको इनलैंड वाटर से कनेक्ट करने के लिए भी एक्शन प्लान तैयार करना है और साथ ही साथ इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनानी है और इसे सीमेंट इंडस्ट्री को 31 जुलाई 2022 तक देनी है ताकि वो भी अपनी आगे की रणनीति इसके अकॉर्डिंग तैयार कर पाए। साथ ही साथ अहमदाबाद से वडोदरा की जो दूरी है मुंबई तक उसको भी इनलैंड वाटर के साथ जोड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है और इस पर भी एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने दिए हैं। यस बैंक से